बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी नाज़रीन, आज हम सीन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं माशरे के एक इंतहाई मनफी सरगर्मियों के किरदार पर बात करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि माशरा तमाम मुस्बत अफराद से मिलकर ही बनता है। माशरे की बनावट, अच्छाई और बुराई, मनफी मुस्बत, ये सब मिला के ही बनती है। तो इस माशरे के किरदार पर हम बात करेंगे। हमारे इलाके के बड़े ही बदकमाश है, इनका बड़ा बदमाशी में नाम है, मनशियात फरोशी भी करते हैं। और सुनने में ये आया है कि इलाके का कोई मेंबर असम्बली, ब्यूरोक्रेट और जितने अफसराने बाला हैं, खसूसन पुलिस, वो सब इनके साथ इतने गहरे मरासम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। माशरे के इस किरदार को अयां करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो के डमी म्यूज़ियम में तशरीफ़ रखते हैं बिल्ला बदमाश, इनका यहाँ बहुत नाम है जी। और हमने आज बिल्ले बदमाश की, ये बदमाश कैसे बने इस शोबे में, बदनाम शोबे में कैसे आए, अब तक की इनकी अचीवमेंट क्या है, और माशरे के दीगर किरदारों को इनके ज़रिए से हम अयां करेंगे। तो नाज़रीन आइए मिलते हैं बिल्ले बदमाश से। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम बाऊ, सलाम हो गया साढ़े। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? नाम मेरा बिल्ला, और चार लत्तां ते टुरन वाला बिल्ला, दूध पींदा है दूध ते आया बिल्ला लहू पींदा है लहू। आज देश गली च लंघ जावां और गली मेरी, देश बाजार च लंघ जावां बाजार मेरा, ते जिस शह ते हाथ रख देवां ओ मेरी। बिल्ले भाई, ये स्टूडियो है, इसमें हम बात करेंगे एक मज़ज़ाना अंदाज से। ठीक है, आपका नाम है, शहर में आपका दबदबा है, लेकिन यहाँ हम बात कर, मेहरबानी करें यहाँ थोड़ा सा ना सुकून से बात करें। आप बदल जिथे दसदा ना और सीना जरूर करे सी, बिल्ला जिथे बासी अपनी गुफ्त को जरूर करे सी। नहीं नहीं करें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेहरबानी करा करें। मैं ऐना का भाई कूल माइंड, कूल माइंड, म्याऊ म्याऊ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, नेचुरल। ये बदमाशी, ये चीज़ें, ये बाहर अच्छी लगती हैं, कम से कम किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म स्टूडियो में ये बातें हमें जेब नहीं देती। चलो जी, मैं बाकी आपका किरदार है वो आप जाने, आपका किरदार जाने, बाबू जी में तू आँखें उमें चकरे। मेहरबानी आपकी जी। अच्छा ये बताएं थोड़ी सी हिस्ट्री कि आप पैदाइशी तौर पर बदमाश तो कोई भी नहीं होता, आप इस बदकमाश शोबे में कैसे आए, हादसाती आए, शौक था, किस तरीके से आप इस शोबे में बदमाश क्यों बने, कैसे बने? कोई बाइज़त कारोबार, कोई जॉब, कोई और माशियात का निज़ाम भी चला सकते थे। इस तो चंगा कारोबार है ही कोई ना, मैनू कोई तगारी नहीं चावनी पाँगी, मैनू कोई मेहनत मुशक्कत को लेंटर ते नहीं जावना पाँगा भाई, उत्ते लेंटर ते मैं मशीन चलावा तो भाई उत्ते जाती पई है, तो आँदी पई है, जाती पई नहीं गल भी मैं पैदाइशी बदमाश नहीं, या बाद ही बने, या मैंने कोई विरासत, पैदाइशी बदमाश हूँ। जिस दिन मैं जमया, दाई ने पैसे मंगे, मैं गोरी पाई निकल गई, मैं कि जी मैं जमण वाली वो डर के भज गई है, तो माशरे के लोग मेरे को लड़ सन, उस दिन तो मैं बदमाशी शुरू की। अच्छा भी हमने तो आज तक यही सुना का पैदाइशी तौर पर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके माशरे की तरबियत, वालदैन की तरबियत उसको बदमाश बनाती है। ओ मेरी वालदे ही काम कर रहा हूँ, मैं अभी बड़ा बदमाश है, मैं कोई बर्तन बांधे भाई ये बड़ा बदमाश है, ये बड़ा लुच्चा है, मैं अगर जल्दी भी अम्मा बात देखो तेन मैं काम छेक दे। वो तो आपकी मासूमियत में और मोहब्बत में प्यार का नाम कह देती थी, उसका मतलब ये तो नहीं होता था आप बदमाश बन जाए। मेरी शरारतों की वजह तो आती, मेरी मासूमियत तो नहीं आती। हाँ एक दिन मैं जानती की तू सेल छत दे उत्तों हम साइंस बकरी मेरे घर है, मेरी अम्मा ने पुट सी गल की वो सेल मैं उस माई की सेल चाहती की, माई न लगे नौ टांके, सिर्फ मेरी बदमाशी की वजह तो उन्हें सुलह की। उस दिन तो अपना डंका टैट बेहतरीन डंडा सर्विस, जेड़ा कोई गल करे तो उन्होंने दस दें कि नौ मेरा बिल्ला,
ਆ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆ ਬਿੱਲਾ हम चाह रहे हैं कि हम बात करें अपने माशरे निज़ाम की, आपकी, आप यहाँ ये डायलॉग गली मोहल्लों में अच्छे लगते हैं, स्टूडियो में अच्छे नहीं लगते। अच्छा ये बताएं, आपने तालीम भी अच्छी हासिल की माशाल्लाह, कॉलेज तक गए हैं, वो एक अलग बात है, एफए में आप फेल हो गए, कॉलेज का माहौल भी इंजॉय किया, वहाँ भी यही आपकी शिकायतें रही हैं, आपको प्रोफेसर असातिज़ा कुछ तरबियत तालीम नहीं दे के सुधार सके। उन्हें घर नहीं जाना होता, समझाएंगे सारे नू, मैंने समझावन लगे तो मैं किधर निकल बाहर और निकल ही गए बाबा, मैं ही तो काले तो निकल आया। ये बदमाशी में प्रोफेशनल भी तरीके तौर पे आपने पाँव कब और कैसे रखा? ये जरा लंबी दास्तान है, डेरे तेरू में लम्बे पाया, उसमें एक मंजी थे तुसा एक थे मैं तो दस सके मेरे डेरे की रख रखाओ क्या है, मेरी मेरा काम एक मिनट पहले दुनिया का कोई ऐसा काम मैं दसो मेरे डेरे से ना हो मैं फायर मार देना जब मैं बोल जावा तो आखिर जा भी ले। अच्छा ये बताएं, ये बात मैंने भी सुनी है कि आपका बड़ा जाहो जलाल वाला डेरा है, वहाँ बड़े मामलात होते हैं, तो ये जो हमारे इलाके के डीसी साहब हैं उनके साथ आपकी यारी वो कैसे बन गई? जनाब खाली बदमाशी नहीं करेंदा मैं, और क्या करते हैं? और भी बड़े मामलात होते हैं, उन्होंने को कौड़ा खट्टा मिठा पानी चाहिए हो मैं पूछना, समझ गए ना गल? मैं असल कैमरे के सामने गल करना नहीं चाहता। समझ आ गई आप भाई? कोई भी सिर्फ पानी की हद तक वो या जी जी और भी? नहीं नहीं जे इसे मर्जी आखिर, लेकिन उसका फायदा बड़ा नहीं ना, बड़े तो बड़ा मुलजम ही फत्ती बैठे हुए थाने वाले, मेरा फोन जाता है डाल लेते बुला के मेरे को छोड़ पाते, ओ ना मने तो उस तो बड़े अफसर नु आख दियो, ओ ना मने तो उस तो बड़े डीसी साहब जिले के मालिक होंगे। अच्छा नहीं, एक मेहरबानी, अगर मैं एक बात पूछूं नाराज तो नहीं होंगे? पूछो जनाब। बदमाशी की हद तक तो आपने बता दिया अभी, मैं ऐसे और शुरू से मुतासर था और करना चाहता, ये जो एक बुराई के अड्डा और दल्लागिरी का लेबल आपके है ये सच है? शरीफाना तरीके ने ब्रोकर रखो, ब्रोकर अजी चले जी ब्रोकर काट देना, मैं तुम दस देना ना स्टूडियो तो बाहर जावना ना। नहीं 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 ठीक है ठीक है, नहीं ऑफ द रिकॉर्ड है ये, नहीं होगा ये हमारे स्टूडियो, ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछा है कि क्या लड़कियां वड़कियां ये सप्लाई ये सिलसिला है? नहीं नहीं सप्लाई नहीं करेंगे, फंक्शन फुंक्शन करा लेना। अच्छा शादियाँ ब्याह के होंगे ना जी, फंक्शन फंक्शन हो रहा हो जरा बाहर खड़ो के बदतमीजी ना करे, हाँ तो बंदा अफसर को गाड़ी कर जाए तो उन्होंने आखिर से भाई गैदरिंग शो कर दो इन्हों का। अच्छा जी जी, यानी कि अफसरान को ये लड़कियां भी किसी फंक्शन की मद में किसी मद में देते हैं? फैमिली बाल को बर्थडे हो गई, कोई शादी भी आ गई, कोई मेहंदी का फंक्शन हो गया, या कोई बाहरों मेहमान आए होंगे तो उन्होंने सिस्टम में करा देना। ये जो पिछले हफ्ते हमारे इलाके के डिप्टी साहब का उनके बेटे की जो सालगिरह थी जी, उस पर भी सुना था वो तमाम जो नीम फैश मुजरा हुआ है वो आपकी तरफ से सारी पार्टी थी? जनाब वो इंडियन ड्रेसिंग होती, नीम फैश क्या होता है भाई, इंडिया भी तो साढ़े हमसाया मुल्क है, इंडियन लोगों की डिमांड होती भी इंडियन होवे, सादा होवे, सिंपल होवे, ए क्लास बी क्लास सी क्लास इन चीज़ों का एक मुरज्जब है। लेकिन हमारा मुआशरा हमारा निज़ाम हमारा मजहब ये चीज़ें हमें जेब नहीं देती, नहीं देती ना। हाँ क्यों बड़े बड़े लोग अपने ले रहे थे फॉर्म हाउस थे सालगिरह रख लवनी या मतलब फंक्शन करावने अपनी फैमिली है या अपने दोस्तों, हर वड्डा तो वड्डा अफसर उस महफल मौजूद होंगे उत्ते नाल अनाउंसमेंट करनी है भी लेडीज एंड जेंटलमैन आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे ताकि हम कहीं वायरल ना हो जाए, मना करके उनसे मोबाइल लिए जाते हैं, वो बिच अच्छा। बना लेंगे वो वायरल हो जाएगी। अच्छा वो दूसरा ये सुना था हमारे जो ज़िले के जेलर साहब हैं वो आपके साथ बड़ा ताल्लुक है, आप जेल जाते हैं और आपको प्रोटोकॉल देते हैं और ये सब चीज़, ये बात सच है? अरे जनाब फनकार आदमी भी तैयार है नाल ओ जेल के शो होते हैं। अच्छा ओ, इस वजह ना मेरा प्यार कर दें इज्जत जेल के अंदर शो होते हैं? जी जी ये ईद ईद के शो हो 14 अगस्त के हो इस हवाले ना फनकारा की बड़ी इज्जत करेंगे।
अच्छा जी जी नहीं अच्छे लोग भी हैं ना जनाब। अच्छा यानी कि और उनसे कोई वो वाला ताल्लुक तो नहीं? और जनाब कोई गल बेची रख लाई करो। अच्छा 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 ताल्लुक भाई मैं रहना भाई जवाना बंदा कि भी जा सकता यानी कि वो शौक रखते हैं आप पूरा कर नहीं नहीं वो नहीं रखते ऐसा आप उन्होंने मजबूर करे ने। अच्छा आप दाना डालते हैं भाई कोई दिहाड़ी लग जाए कोई कह दी कोई मुलाकात तो बंदा चला पैंता है कोई प्यार मोहब्बत अच्छा ताकि कुछ सुने तो सही। अच्छा नहीं तो 3 घंटे तो पहले तो मुलाकात नहीं हो सकती। ये बताओ कि ये जो पिछले महीने वो दो ज़मीन पर कब्ज़े के हवाले वो मैरिज हाल पर जो कब्ज़ा हुआ था उस पर फायरिंग में आपने दिन दिहाड़े दो आदमी दोहरा कत्ल कर दिया 4-5 जख्मी कर दिए और आप पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ इसकी क्या वजह है? ना मेरा बिल्ला चार लत्ता से टरण वाला बिल्ला दुध पींदा है दुध ते दो लत्ता से टरण वाला बिल्ला लव पींदा है लव। एक मिनट वो मुकदमा जो है वो दो पार्टियों का ज़मीन के तनाज़े पर बाहिमी लड़ाई का मुकदमा दर्ज हुआ उसमें आप और आपके ग्रुप का कहीं नाम और निशान नहीं आने दिया? चाला ही बी पॉजिटिव ब्लड द ग्रुप मेडिकल है जो ना हाई कौन पॉजिटिव तो नहीं हो सकता आपने का जो किरदार मामलात आ रहे हैं भाई आपका नेगेटिव करा दियो मेडिकल चेंज नहीं हो सकते। अच्छा ये भी हो जाते हैं जनाब दुनिया च केड़ा काम में खास करके मेरे शोबे वाला बंदा जो काम ना करा सके तो मोल लाना थे भाई मेरे थे लोग मैं गाल ही कड्डन वो लोग आते ना भाई बंदा ब्रोकर ही अखवावे तो बोस की ना पावे बोर है गल। मैंने सुना इस दफ़ा आप इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो तारे नाल ही लड़ने की कोशिश करें अभी तो इलेक्शन की गल कर दो इंट्रोडक्शन के लिए और खास तौर पर आज की जो मीटिंग का था किस दफा आप जो है मेंबर सूबाई असेंबली इलेक्शन लड़ने जाने हम तो आपको मुस्बत तौर पर पेश कर रहे हैं उस हिसाब से मनफी हमारा मकसद नहीं आपको पेश करना। पहली दफा नहीं मैं इलेक्शन लड़ता पिया जी मैं पहले इलेक्शन लड़े हमें है जो छोटे यूनियन काउंसल दे काउंसलर वगैरह दे। अच्छा अच्छा मेरा इंतखाबी निशान लग गया मूली 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 जी होता है होंगे ना निशान जी, जी। बाद रश बड़ा जनाब संदूकड़ी हो गई फुल कई ने वोट पाया तो कई बच्चे लून सट गए असा जो संदूकड़ी खोली वो वोट तो निकले नहीं मूली का पानी निकलिया अच्छा। मैं गए जालमो ये किता ने बह हार गया मैं उत्थे। अच्छा हार गए हारने वाला दलेर होंगे पता तो लग गया ना आपकी बदमाशी नाम लोगों को डर नहीं लगा आपके मुखालिफ को वोट देते हुए इससे डर के मारे तो उन्हें वोट नहीं देते भाई ये बन गए तो क्या बन सी लेकिन जेड़ा जिते होया उसकी जरूरत मेरे कुछ खलो जाए वो मेरे तो करनी मैं तो फोन मारा वो मेरे घर आ गया कि दस सब लिया की काम है तेरा और फलाना बंदा जमीन हल बहन खलोता है इन घट बैर वो मुजाहरे जाके घट दे सन बार मोड़ वो जितया या मैं जितया। इस दफा फिर मेंबर सूबाई असेंबली का फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे जीतेंगे कैसे कैसे जीते अगर आपकी अच्छी है वोट कौन देगा? जल्द मेरे को टांगा घोड़ा आई चलेगी जी मैंने गाड़ियों की एक लंबी लाइन देखी है मेरे प्रोटोकॉल जिथे आए जी जी बिल्कुल मेरी गड्डी देख ले जी बिल्कुल 80 लाख रुपए की गड्डी इसमें कोई शक नहीं है होगी ये वो धागे वाली गड़ी नहीं मी नौ तो मेरे तले गार्ड खड़ोते सारे गनमैन देखे जी जी ओ गार्ड नहीं जो सेफ गार्ड जी दामन वाले नहीं बंद दंद है ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड हाथ च वेख लै 1.5 लाख रुपए की एक गन चाहिए खड़ोते। अच्छा ये एक थोड़ा सा सीक्रेट बता दें ये जो शहर में आपके मुख्तलिफ जगह पर कैबा खाने चल रहे हैं यहाँ पर आने वाली जो तवाइफें लड़कियाँ ये कहाँ से लाती हैं कहाँ से आती हैं? इसे माशरे चुन भी घर में मुर्गियाँ अंडे चुटें खलोता और लोग मैं फ़ोन करें दूरों दूरों कि सर हम आपके ग्रुप में आना चाहती हैं हमें काम कराएं उनके वालदैन मुझे फ़ोन करते हैं वालदैन जी कि हम बड़े गरीब आदमी हैं तो हालात बड़े ख़राब हैं छू और मेरा हिरोनी निकला है नशे पे लग गया है तो मैंने बच्ची की शादी करनी है
तो मैंने उनको बड़ा समझाया है, मैं कहा गल सुनो मेरी, एक काम कुछ चंगा नहीं। उन्हें कहा जी कर्जा देना है कोई 5-7 लाख रुपया। तो मैं कहा चलो मुड़ महीने दो नच लो, कर्जा ला लो, मुड़ छोड़ दे। मुड़ उन्होंने आदत पाएगी, उन्हें कहा पैसे तो आते पे दब रखो, एक नु काम कराया बई नु कराया तेरे, हूँ उन्होंने वडेरी नाल काम करेंगी। अस्तगफिर अल्लाह, सोनी राने एडी पटोला आह लाया वा गए ताई। नहीं नहीं देखे मार, चलो तुसी आना साले को। ओ सर नहीं, सर चक्कर से ला लेना, देखो ना जी बिल्ले भाई, यासन भाई कुछ जी नहीं बिल्ले भाई, हमें इन चीजों से मेहरबानी बड़ा। कोई चीजें नहीं, इंसान है, इंसानियत ना प्यार करना चाहिए। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन इन मामला से दूर। अब भाई कुछ जरूरी तो नहीं बताए बंदा बुराई वास्ते छे घर तेरे को चूना कराने भाई, डिस्टम्बर कर दे, लैम्बल कर दे, इले कोई होर से कर दे, ये छत्तर सीलिंग है। अब भाई आ सो बस हो, कोई चाह तो कप साली को पिलाए, कोई सानू मिलने लगे हैं, कोई चाह दे पैसे दे जाए, तशरीफ तो लाया हुआ। अच्छा बिल्ले भाई ये बताएं, रात को अक्सर देखने में आया है कि आपके डेरे पर जो इलाके के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सारे आपके डेरे पे सलामी देने आते हैं, या कोई और मामला होता है रात को उनकी आमद और डेरे पे सारा मामला शोर वो ये सब कुछ क्या होता है? ये इन्होंने घरों पाते खले घर के इन्होंने रवैया तो चंगा होता कोई नहीं, ये आते उ सुकून लभन तो मेरे को सुकून दशीन। अच्छा अच्छा वो वाली मशीन है जी जी जी, हंसने खेलने वाले लोग, नाचे टापे वाले, तीन तकड़क दिंग दिंग तकड़क दिंग दिंग, इन्होंने मुलाकात हुई नाले बठी भी लाई हुई है मैं। अच्छा जी, देसी माल भी वलैती भी बाहर वाला माल भी। आपको पकड़ता पकड़ता कोई नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? हासन भाई कह जरूरत है, मेरे फोन मंजन की देर आँगी, कह चावन ना चावन इलाके का एस एच ओ फोन नहीं चाहता, कहें तो 2 बजे तो बाद। अच्छा थाने तो मुंशी चे सी, नायब मुंशी चे सी, या कोई थानेदार चाह ले सी, एस एच ओ ना चे सी, हालांकि थाने के बाहर लिखे होते। हाँ बिल्कुल, हर थाने के बाहर नंबर लिखा होता है एस एच ओ का, और जेड़ा एस एच ओ जाता है जेड़ा नवा एस एच ओ आता है वो नंबर मोड़ उसे को लगता है। हाँ बिल्कुल, वो सरकारी पर्सनल नंबर तो उन्होंने होया होया जी बिल्कुल, वो तो सरकारी नंबर होता है। मेरे को पर्सनली आंदा है, सरकारी भी आंदा है, मेरे पहली बैल तो फोन ना चल उन्हें थाने जी रहना, मैं सवेरे उन्होंने ट्रांसफर करा देना। इतना इतने लंबे हाथ हैं आपके? लंबे हाथ तुसा मेरे को बल्ब लवाना है जनाब, मेरी इस्लामाबाद तक पहुँचे तुसा के समझो मैं ड्राइवर वाला किराया टिकट नहीं देता। नहीं नहीं वो बात ठीक है, लेकिन वो आपके डेरे पे वो जो अरबियों की आमद जामद और वो सिलसिला है, ये दुबई शारजा बहरीन मस्कत ये तुझे क्या समझ दो? ये मैं तो इन्ना इन्ना कंट्री एन जाना भी जिम्मे बंदा सब्जी लैन जाए तो शामी घर, आज दी मेरी फ्लैट है सवेरे में तो टोर फेर के कोई मंडी पुछाया तो कुछ लाया तो मुड़ गम। ये काम भी करते हैं आप? सारे काम में बकायदा काम में इधर लिसांस बने हुए, तुम दुबई चले जाओ तो मसाज छटे क्लब में कैसे खाने मारे कदे कदे होटल है कहना तू तू तो घरों निकले थे इतने से इतों निकले थे घर तो उन्होंने किया पता और दुनिया फिरो माशरा वेखो कैसी कैसी गल है हूँ उत्थे चले जाओ दुबई बीच से हाफ फ्राई कपड़े वाली तो रन्ना मिल सन। वो तो उनका एक उन्होंने अपनी इंटरनेशनल लेवल का अपनी इंजॉयमेंट के हवाले से आउटिंग के हवाले से विजिटर से आहों के लिए एक माहौल बनाया हुआ है, सब उसमें इंजॉय करते नहीं, हैं। वो मुसलमान कंट्री नहीं? नहीं नहीं मुसलमान है, लेकिन उन्होंने फॉरनर के लिए एक जगह बना दी है, आए इंजॉय करें। फॉरनर तो धोतियाँ ही बदले होते फॉरनर, वो तो कपड़े समय अंदर वंजन नहीं देते, थोड़ी तो जुर्माना कर दे सर, तुम सलवार कमीज पैंट शर्ट पा के अंदर नहीं जा सकते उस बीच से। अच्छा वो जो याद आ गया, पिछले दिनों वो जो डी पी ओ साहब का मामला था, वो क्या मामला था? वो खुद आपके घर आए हुए थे, क्या था? कोई रेड था या कोई मामला और था? गवाही दिवाना चाहते हैं अपने आके च, मैं और दो त्रै छोरियाँ तैयार की थी, मैं कभी जाके साहब दे आके भी इस तो अच्छा तो बंदा क्यों नहीं, सानू इनसे इंसाफ भी मिला है, प्यार भी मिला है, आने जाने का किराया भी मिला है, ईद का सबूत ही मिले, इसलिए आया मेरे को। अच्छा जी, यानी कि डी पी ओ लेवल के बंदे को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है और आपसे वो मदद मांगने के लिए आया था? साहब कैसी 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 गल करें, डी पी ओ साहब ही इंसान है तो इंसान भाई, बड़े बंदे छोटे बंदे ने काम नहीं पा सकता।
लेकिन इन सब चीज़ों का खात्मा तो उनके ज़िले में उनकी बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है, और वो आपसे मदद मांगने आते हैं। भाई मदद इसलिए मांग रहे हैं, ऐसा काम ना करूँ, थाने की में चलन, ये रात में परेड गश्त की में होवे, नाके किलू लगे, सारे जो हाजी नमाजी हो जाए, कोई बंदा बुरा काम ही थाने बंद होवे, सन हस्पताल बंद हो, कहन फायर नहीं बजना, असला कौन ले सी? ये बात भी ये जो नचण गावन ये कितों खा सन, मनशियात कितने विकसी? भाई जी ये पता नहीं तुम कड़ी दुनिया के रहते हो। ये बताएं, ये बात सच है कि हमारी इस शहर के अंदर जब जहां को कब्ज़े की ज़रूरत होती है, पुलिस खुद आपको बुलाती है, आएँ हम कब्ज़ा करवाते हैं, फलां पार्टी से लेन देन है, कब्ज़ा करवाने आपकी मामनात हासिल करती, ये बात सच है? ना मेरा बिल्ला, आए चार लत्ता से टुरने लग दूध पींदा है, दूध दो लत्ता से टुरने वाला बिल्ला लव पींदा है, लव। बाऊ जी मेरी गल सुनो, सानू भला किस गलू सदेंदन, इस गलू सदेंदन भी सानू पुले तत्व यार है ही ना, भी सानू कहें फैर मारना या सानू पात के थाने ले जा सन, डरे तो वह बंदा जिन पुले का डर हो, गोली का डर हो, थाने का डर हो, खलियाँ का डर हो, पैसों का डर हो, तो सानू तो पैसे ही मिलते हैं तो प्रोटेक्शन भी मिलती है। अच्छा, ये सियासी हंगामा राय में फायरिंग या कत्ल हर जगह आप इस्तेमाल होते हैं, और हर जगह पे आप ही का नाम, इतना नाम तो मैंने शहर के अपना किसी मौजिज पॉलिटिशियन का नहीं सुना, किसी भी मौजिज ब्यूरोक्रेट का नहीं सुना जितना आपका नाम है। मरवाते आपसे हैं, डलवा दीगर मुखालफिन पे देते हैं, पैसे वो कौन कमाता है? आप ले जाते हैं, वो लेते हैं? ओ लेन देन तो ऐसा भी लेन देन, और गुल्लू बाट कौन है? अच्छा नहीं, मेरे मैंने उनकी थोड़ी थोड़ी वो देखी थी वीडियो, लेकिन अगली बात की मुझे समझ नहीं आई वो कौन था। शगिर्द ही अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो फोन आया भी काम नु चक। अच्छा, मैंने कहा तू उधर चक दे, वो पुलिस खुद उससे करवाती फिर रही थी, वो उसके साथ साथ थी, और वो पुल के साथ मिलकर हंसी मजाक में और वो सब तोड़ फोड़ कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, ये सारा काम आप मैनेज करते हैं पुलिस के साथ मिलके? सारे में गल भी अख्तर लावा माया लाहौर द पावा, ऐ चले आते हैं कि नाम मेरा बिल्ला, और चार लत्ता ते टुरन वाला बिल्ला दुध पींदा है, दुध ते दो लत्ता ते टुरन वाला बिल्ला लव पींदा लव। जी नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, ये हमारे माशरे का अलमिया है। इस माशरे में जहाँ पुलिस और बदकमाश सियासतदान ब्यूरोक्रेट इलाके के मुअज्जिज़ीन ये यकजा होकर सब एक गठजोड़ बना लें, वहाँ आम आदमी, शरीफ आदमी, मज़दूर मेहनतकश आदमी, उसकी ज़िंदगी और उसका जीना, उसको उसकी ज़िंदगी के मामलात में इंसाफ की फराहमी किसी भी तरह मुमकिन नहीं। अगर हमारी इंतज़ामिया इसी तरह बदमाशों के हाथों अपने मामलात अपनी चीज़ें निपटाती रही तो फिर माशरा तबाह नहीं होगा तो और क्या होगा? माशरा इसी तरह तबाही की दहाने तक जाता रहेगा। हमें इन बदमाशों का कला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारा मज़हब, हमारा कानून, इनसे मदद लेने, इनकी सरपरस्ती करने की बजाय इनकी हौसला शिकनी करने और इनको काफिर करदार तक अदा करने के लिए हमें सौंपा गया, हमें ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को कैफर करदार तक पहुंचाने के लिए अपना मज़हबी और माशरती फरीज़ा ईमानदारी से सरंजाम देना चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।